मंदसौर पुलिस कंट्रोल रूम पर जनसुनवाई केंद्र का किया लोकार्पण, विधायक, कलेक्टर, एसपी, नगर पालिका अध्यक्ष रही मौजूद। मंदसौर ने आबादी स्थित पुलिस कंट्रोल रूम पर आज जनसुनवाई केंद्र का लोकार्पण हुआ, जिसमें मंदसौर के वरिष्ठ विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया के द्वारा 5 लाख रुपए विधायक निधि के द्वारा दिए गए थे और सुंदर जनसुनवाई केंद्र का हाल तैयार हुआ। विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने बताया कि मंदसौर शहर के ही बीच में अब जनसुनवाई केंद्र तैयार किया गया है और इसका लोकार्पण किया गया है और ग्रामीण क्षेत्रों से लोग यहीं पर आकर जनसुनवाई के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान कराएंगे। मंदसौर पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने मीडिया से चर्चा करते हुए गुरुवार को 4:40 पर बताया कि जनसुनवाई केंद्र का आज शुभारंभ किया गया है, जिसमें मंदसौर के विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया एवं कलेक्टर गौतम सिंह, नगरपालिका अध्यक्ष रमादेवी गुर्जर, लोक निर्माण सभापति एवं सीएसपी सतनाम सिंह, कोतवाली थाना प्रभारी अमित सोनी, नयाबादी थाना प्रभारी संदीप मंगोलिया एवं जिला शांति समिति के सदस्य शामिल थे। आज दिनांक 24/11/2022 को जिला पुलिस कंट्रोल रूम मंदसौर में जनसुनवाई हेतु विधायक निधि से स्वीकृत नव श्रृंगारित जनसुनवाई कक्ष का लोकार्पण किया गया। मंदसौर के वरिष्ठ विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया का एसपी अनुराग सुजानिया ने गुलदस्ता देकर स्वागत किया। नगरपालिका अध्यक्ष रमादेवी गुर्जर का स्वागत महिला थाना प्रभारी पुष्पा चौहान द्वारा किया गया। कलेक्टर गौतम सिंह का सीएससी सतनाम सिंह द्वारा किया गया एवं मंदसौर जिला पंचायत सीओ का स्वागत नयाबादी थाना प्रभारी संदीप मंगोलिया द्वारा किया गया। आभार कोतवाली थाना प्रभारी अमित सोनी द्वारा माना गया। देखिए, जनता के काम आने वाली जन सुनवाई के लिए अगर मुझसे पुलिस अधीक्षक महोदय ये मांग करे, ये बात रखे कि जनता की सुनवाई के लिए कंट्रोल रूम पर बना हमारा हॉल, उसको जीर्णोद्धारित करना है, उसको नव श्रृंगारित करना है और उसके लिए आपकी विधायक निधि अपेक्षित है। मैंने कलेक्टर साहब से और एसपी साहब से तुरंत चर्चा करके और जितनी राशि मुझसे अपेक्षित की गई थी और मुझे लगा कि जितनी राशि मैंने दी थी उसका पूरा पूरा सदुपयोग हुआ है और ये निश्चित रूप से जनसुनवाई का एक केंद्र मंदसौर शहर की जनता के लिए भी और पूरे ज़िले के जो फरियादी हैं, जो मांग पत्र लेकर के आते हैं। और एसपी साहब ने और अच्छा निर्णय किया कि मध्य में है शहर के, प्रति बुधवार को लगने वाली जनसुनवाई अब पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जो यहाँ से काफ़ी दूर है, चूँकि महाराणा प्रताप बस स्टैंड भी है, सीतामऊ की तरफ से संजीत की तरफ से आने वाले लोगों के लिए पुलिस कंट्रोल रूम ज़्यादा बेहतर रहेगा और उसको लेकर के जब जनता शहर में आती है तो दो काम लेकर के भी आती है, आम के आम और गुठली के दाम है, तो वो अगर कोई समस्या लेकर के आएंगे तो जनसुनवाई का सेंटर मुझे लगता है कि बहुत अच्छा चलेगा और काफ़ी अच्छा स्पेस है, इसमें काफ़ी लोग बैठ भी सकते हैं। तो मैं तो कह सकता हूँ कि मेरी विधायक निधि का उपयोग जनता की सुनवाई के लिए, और देखिए ये राशि तो है ही जनता की, मेरी अपनी है भी नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मेरा अपना नहीं है, प्रशासनिक अधिकारी सुझाव देते हैं मैं उस पर अमल कर लेता हूँ। आज माननीय मंदसौर विधायक जी के द्वारा विधायक निधि से जो 5 लाख रुपये का अनुदान मिला था, उससे जो हमारा एक हॉल था उसको हमने उसको नवश्रृंगारित किया है और उसको जनसुनवाई केंद्र के नाम से हमने उसको स्थापित कराया है, उसी का आज लोकार्पण था। इसमें भविष्य में यहाँ पे जो भी हमारी मीटिंग्स वगैरह होती हैं, साथ ही साथ जो पक्षकार जो आते हैं उनकी सुनवाई के लिए भी इस जगह का उपयोग किया जाएगा। तो शांति समिति की जो बैठकें होती हैं, कानून व्यवस्था संबंधित जितना भी हमारा मीटिंग्स होती हैं और सामाजिक संगठनों से जो चर्चाएँ होती हैं, उसके लिए इस केंद्र को यूज़ किया, कक्ष को यूज़ किया जाएगा, उसी का आज लोकार्पण।